स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। युवा राजपूत सभा जो संघर्ष कर रही है, क्यों कर रही है? सतवारी से हमें निकले हुए आधा घंटा हो गया है, अभी तक हम कुंजवानी नहीं पहुंचे। ये टोटल रोड होगा कम से कम 60-70-80 फीट और 10-12 फीट इधर छोड़ रखा है, 10-12 बाकी पे काम चल रहा है। और इसी रोड का टोल जो है वो पिछले लंबे समय से वसूला जा रहा है। इस टोल टैक्स का मतलब क्या होता है? नितिन गडकरी साहब ने कहा था कि टोल टैक्स का मतलब होता है कि आपको बिल्कुल साफ रोड मिलेगी, यहां कोई भी गड्ढा नहीं होगा, कोई भी हडल नहीं होंगे, स्मूथ रोड हम आपको देंगे। उसके एवज में जो आपसे टैक्स लिया जाएगा उसकी मेंटेनेंस के लिए, वो होगा टोल टैक्स। लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी में हालात कुछ अलग से है, इसीलिए राजपूत सभा के लोग जो हैं ये संघर्ष कर रहे हैं, ये टोल लेना बंद करो, सरो टोल प्लाजा पे टोल लेना बंद करो। यकीन मानिए आधा घंटा हो गया सतवारी से निकले हुए और अभी तक मुझे लगता है मैं गंगयाल पहुंचा हूं पिछले आधे घंटे में, इतना ट्रैफिक है और रोड बिल्कुल कंजेस्टेड हो गया है। जब ये रोड पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो बात आपकी समझ आती है, बस इतनी सी बात है साहब। और युवा राजपूत सभा के प्रधान से हमने बात की, वो कहते हैं साहब इस बात को सब लोग देख रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब मानते हैं कि जो आप कह रहे हो वो सही है, ये टोल टैक्स नहीं होना चाहिए। पुलिस के बड़े अधिकारी मानते हैं ये टोल टैक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई एक शख्स दिल्ली में बैठा है वो नहीं चाहता, क्योंकि उसने यहां से वोट नहीं लेने हैं। वो कहता है कि जैसा भी हो, तो क्या कहें इसको क्या कहा जाए। और युवा राजपूत सभा जो कर रही है वो एहसास है जिंदा होने का, हम लाशें नहीं हैं। आप हम पर कुछ भी लाद दोगे और हम गदा मजूरी करते रहेंगे, आप जो कहोगे उसमें। और सबसे बड़ी बदकिस्मती इसमें यह है कि जम्मू का सियासतदान सोया हुआ है, या सोया है या फिर मजबूर है, इतना मजबूर कि उसी की जनता जो उसको वोट देती है उसको नोचा जा रहा है, लेकिन वो आराम से सोया है। अगर उसने हरकत की, शायद ऑफ द कैमरा, शायद बंद कमरों में, शायद अपने परिवार के साथ, शायद अपने दोस्तों के साथ, वो जरूर जिक्र करते होंगे कि जम्मू के साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन वो हिम्मत कहां से लाएं बोलने की। अगर बोल दिया कैमरे पे आकर, इसके लिए आवाज उठा दी, इसके लिए सड़क पे आ गए, इतना इंतजार किया है इलेक्शन का, शायद 2024 में हो जाए, ऐसा ना उससे पहले ही हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, अपनी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जम्मू की जनता को लुटा रहे हैं। युवा राजपूत सभा ने यह मोर्चा संभाला है। आज डेडलाइन थी कि सोमवार तक टोल बंद कर देना, नहीं हुआ, आज वो उसी पे कार्रवाई करने जा रहे हैं, जिंदा होने का एहसास दिला रहे हैं जम्मू को। और कुछ सियासतदान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैंने सुना सुरजीत सिंह सलाथिया साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मैंने बिश्नाह के कुछ लोगों की बातें भी सुनी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसके सामने आ गए इसके बाद, लेकिन ये चीजें समझ से परे हैं। ऐसा तो नहीं मांगा था जम्मू के लोगों ने, आपके हर फैसले पे उन्होंने ताली बजाई थी, आपके हर फैसले पे उन्होंने ताली बजाई थी, जो जो बजाने को कहा वो बजाया उन्होंने, लेकिन आज उसका भुगतान भी कर रहे हैं, आज उसका भुगतान कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर की बात की जाए, टोल टैक्सेस की बात की जाए, हर जगह जम्मू परेशान है। और उसका कारण ये है कि जो जम्मू की आवाज बन सकते थे उनकी सोच पर कंट्रोल कर लिया गया है। उतना ही बोलो जितना हम बताएं, उतना ही देखो जितना हम दिखाएं, उससे ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं है आपको। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी कितने सालों के संघर्ष के बाद मिली थी, युवा राजपूत सभा के एफर्ट के बाद। आज एक नई शुरुआत की है सरोवर टोल प्लाजा को लेकर, युवा राजपूत सभा ने एक नई शुरुआत की है।
आप सब जम्मू वाले एक बार बता देना कि युवा राजपूत सभा ठीक कर रही है गलत कर रही है, हमारे सियासतदान ठीक कर रहे हैं गलत कर रही है। कथनी और करनी में इतना अंतर, जिंदा हो, सांस लेना जिंदा होने का सबूत नहीं है, आपको करवट लेनी पड़ेगी नहीं तो लाश बन के रह जाओगे, आपको करवट लेनी पड़ेगी। और ये रिपोर्ट करते हुए मैं आहत भी हूं, अगर मैं बाहर राज्य से होता यहां काम करने आया होता तो ये सिर्फ एक रिपोर्ट होती, लेकिन मैं यही कहूं मेरे ही लोग लुटे जा रहे हैं और मेरा ही सियासतदान चुपचाप तमाशा देख रहा है। इसलिए ये तस्वीरें जो आप देख रहे हो, ये गाड़ियां जो आप देख रहे हो, युवा राजपूत सभा एक बीड़ा उठाया है सोए हुए को जगाने का, जिनके हाथ में हमने मशाल दी थी आप आगे आगे चलो हमें रास्ता दिखाओ हम पीछे आ रहे हैं, पता नहीं वो मशाल कहां गिर गई, वो लोग कहां चली गई। इसलिए अब जरूरत है हर आदमी के हाथ में मशाल होने की, हर आदमी कोशिश करे कि अपने पीछे वाले को रास्ता दिखाए। ये तस्वीरें वही हैं और ये तस्वीरें बदकिस्मत हैं, ये अच्छी बात नहीं है कि जनता खड़ी हो गई है और एक शॉर्ट टोल प्लाजा के लिए वो संघर्ष कर रही है, ये बदकिस्मत है। ये वहां होता है यहां सरकारें नहीं होती, ये वहां होता है यहां हुक्मरान होते हैं, ये वहां होता है यहां पर आप पर चीजें लादी जाती हैं, ये वहां पे होता है। मेरा जम्मू इसका शिकार हो चुका है, जम्मू कश्मीर इसका शिकार हो चुका है और मैं अपनी हर रिपोर्ट में कहता हूं कि चुनाव अब जम्मू कश्मीर की मजबूरी है, नहीं तो यही हालत रहेगी, हर चीज लेने के लिए आपको विरोध प्रदर्शन करने पड़ेंगे, बाहर आना पड़ेगा, सड़क पे बैठना पड़ेगा, पुलिस की लाठियां खानी पड़ेगी। और जो लाठी मारने वाला पुलिस वाला है वो भी जानता है कि ये लोग सही कर रहे हैं, वो भी यही जानता है कि ये लोग सही कर रहे हैं, लेकिन समझना होगा जम्मू को, अब जम्मू को इस बारे में समझना होगा, देखना होगा। ये चीजें अब मुश्किल होती जा रही हैं और आने वाले दिनों में ये मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, ये मुश्किलें और बढ़ेंगी। आहत हूं ये रिपोर्ट करते हुए, ये अच्छी बात नहीं है कि जम्मू के लोग जो हैं सड़क का घेराव कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना काम धंधा छोड़कर कोई दुकान बंद करके आया है, पता नहीं किस तरह से टाइम निकाला है, आज वर्किंग डे है, लेकिन जम्मू की मजबूरी है और सियासतदान उनकी तो बात ही छोड़ो, वो आएंगे बाहर चुनाव के वक्त, वो आएंगे बाहर। मैंने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि जब जनता कार्यकर्ता बन जाएगी, उसकी सोच पर पार्टियों का कंट्रोल हो जाएगा, वो दिन बड़ा बदकिस्मत होगा क्योंकि वो अपनी बात कभी रख ही नहीं पाएंगे। इसलिए युवा राजपूत सभा और इसके पीछे पीछे जब युवा राजपूत सभा एक एग्रेशन के साथ बाहर आई, खुलकर बात की, उन्होंने चेतावनी दे डाली सरकार को, उसके बाद सियासतदान जाग गए, उन्होंने कहा ये तो खराब हो जाएगा, वोट तो हमें लेने हैं, इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू कर दिया। पता नहीं जनता को कैसे फेस करते हैं ये लोग, वो कैमरे कैसे फेस करते हैं, कैसे बात रखते हैं अपनी। सियासतदान होना आसान काम नहीं है, आपको बेशर्म होना पड़ेगा, सियासतदान होना आम काम नहीं है। एक दुकानदार अगर किसी से कोई चीज उसको बेचता है 10 रुपए ज्यादा ले लेता है, उस ग्राहक को पता चल जाता है कि इस दुकानदार ने 10 रुपए मुझसे ज्यादा लिए हैं, तो अगली बार दुकानदार उस ग्राहक से आंख मिलाने में शर्म करता है, इसको पता चल गया मैंने 10 रुपए ज्यादा लिए थे। लेकिन सियासतदान इसमें बड़ा माहिर है, वो फिर भी फेस करता है, वो फिर भी हाथ फैलाकर मांगता रहता है वोट, हालांकि उसने कुछ नहीं किया होता। इसी दौर से गुजर रहा है मेरा जम्मू कश्मीर, इसी दौर से गुजर रहा है।
क्यों युवा राजपूत सभा को जरूरत पड़ी बाहर आने की? क्या आपको नहीं लगता था कि रोड पूरी तरह से खराब है, टोल टैक्स पोस्टपोन कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए टिल द टाइम जब तक कि रोड पूरी बनकर तैयार ना हो जाए? आपने सोचा जो इकट्ठा करना है कर लो, जब तक ये जनता मुर्दा है तब तक इकट्ठा कर लो, जब इनमें जान आ गई उस वक्त देख लेंगे। रोज का 20-25-30 लाख तो आ ही रहा है। आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा मैं। युवा राजपूत सभा सरोवर टोल प्लाजा तक जा रही है, वो आगे की तस्वीरें भी दिखाऊंगा। ये रास्ते का सफर मैंने आपको बताया, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।